तो एमएस एक्सेस की हम क्यूरी क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ गोयल जी, किस तरीके से एमएस एक्सेस की क्यूरी में हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होता है हम बात करेंगे अपनी इस क्लास में। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमने डिजाइन इसमें गए क्यूरी में जाता हूँ, क्यूरी क्रिएट करता हूँ यहां से, जैसे इसी क्यूरी में डिजाइन में जाता हूँ राइट। तो डीटी पूरा दिया हुआ है, डीटी के लास्ट में मुझे यहाँ पे जो है समझ लीजिए कि फर्स्ट नेम चाहिए राइट। मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम किसका, या फिर फर्स्ट नेम छोड़िए, मुझे डीटी हमारा यहाँ पे डेटा दिख रहा है, इंडस्ट्री रीजन प्रोडक्ट यहाँ पे एस्टिमेट हो रही क्वार्टर वन। अब जो क्वार्टर है ना सर, अब क्वार्टर वन टू थ्री फोर फाइव ये है, तो मुझे क्वार्टर जो दिखाना है वो दिखाना है अपनी क्यूरी में इन द नंबर, समझे। तो मैंने क्या किया, यहां पे हम देते हैं क्यू सेमी कॉलन और फिर लगाते हैं फॉर्मूला लेफ्ट का, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा जो लेफ्ट लेफ्ट राइट लगेगा आर आई जी एच टी राइट। राइट के अंदर बड़ी ब्रैकेट में हम किसको लेते हैं क्वार्टर को, की यू ए आर टी ई आर क्वार्टर, ठीक है। और बोलते हैं कि इसमें से मैं वो एक डिजिट मुझे राइट से चाहिए, ओके कर दिया। अब यहां इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जी क्यूरी रन की है, यहां पे क्वार्टर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मूला हमने कैसे लगाया देख लीजिए, हमने फॉर्मूला लगाया, हमने जूम पे चले जाते हैं, हमने यहाँ पे अपना हेडिंग दिया, क्या देंगे हेडिंग, क्यू आपके जो भी हो, क्यू एबीसीडी जो भी नाम अगर कुछ भी हो, आपने यहाँ पे क्या लगाया हेडिंग लगाया राइट। और हेडिंग के बाद हेडिंग के बाद देंगे आप कॉलम, कॉलम के बाद आप अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला ना पता हो तो राइट क्लिक करके जहां आपने जूम किया था उसी में आपको विल्ड होगा, विल में जाके फंक्शन पे देख सकते हैं, हालांकि चीज हम आपको बहुत चीज पहले भी बता दी है। तो हम जाएंगे विल्ड में, और विल्ड में जाने के बाद वहां से हम देख लेंगे, तो क्वार्टर हमने राइट लगाया, और जो हम अपने टेबल का जो लेंगे ना हेडिंग जो लेंगे, उस हेडिंग में हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्या लेंगे राइट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आपका दीजिए आप क्लोज करके ओके कीजिए, आपका परफॉर्मेंस रन कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या हम एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये हुआ कि मुझे जो है इसमें जो प्रोडक्ट है इसमें से मान लीजिए इसमें से सीआरएम को अलग करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे सीआरएम सब में नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो मैं चाहता हूं जिसमें स्पेस होगा उसको अलग करें, तो हम इसकी डिजाइन क्यूरी में आते हैं राइट। यहाँ पे राइट क्लिक करके जूम में जाते हैं, जूम में जाने के बाद यहाँ पे हम देते हैं पीआर करके देते हैं, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इसका राइट का जीएसटी राइट। राइट में किससे राइट लेना है, तो राइट जो हमें लेना है प्रोडक्ट से, पी आर ओ डी यू सी टी सेम स्पेलिंग होना चाहिए प्रोडक्ट। कितने नंबर ऑफ डिजिट लेना है तो मैंने इसमें राइट में कितने नंबर ऑफ डिजिट लेना है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लेन का, लेन लेन क्या करता है इसका कंप्लीट लेंथ देता है कितना डिजिट का है, उस लेंथ में से हमने माइनस किया फाइंड का फॉर्मूला, फाइंड क्या स्पेस करना है स्पेस करना है, ठीक है। और हमने यहां पर दे दिया किसमें स्पेस करना है, तो यहां हमने प्रोडक्ट में और स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहां फाइन खत्म हुआ और यहां राइट खत्म हुआ एंड ओके करते हैं।
और यहां से इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए क्यूरी को रन करते हैं, ये रन नहीं हो रहा है, ये क्या रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन फाइंड, इसने फाइंड को रिकनाइज नहीं किया, इसने फाइंड को रिकनाइज नहीं किया। तो हम बिल्ड में आते हैं, ये देखिए फाइंड राइट बड़ा है, लेन का बड़ा आ गया, फाइंड फाइंड को रिकनाइज नहीं किया। तो एक बार देखते हैं कि फाइंड का फंक्शन क्या है टेक्स्ट में, ओके ये फाइंड यहां पे नहीं चलता, यहां पे चलता है इनएसटीआर, ठीक है इनएसटीआर, जी हाँ इनएसटीआर, ठीक है इनएसटीआर। अरे इनएसटीआर लगाने का थोड़ा सा उल्टा तरीका, ठीक है, तो इसमें हम देते हैं वन, एक से स्टार्ट होगा और हमें इसमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तो स्पेस, ठीक है दैट ओके, और उसके बाद क्लोज करते हैं, रन करते हैं, आ गया सीआरएम, सीआरएम आ गया, और जिसमें सीआरएम नहीं था उसमें प्रोडक्ट आ गया, ओके ठीक है। अब तो इस तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी लगा सकते, तो इसमें आगे और फॉर्मूला बताओ, उससे पहले आप लेफ्ट राइट मिड ऐसे जो छोटे मोटे लेन है, छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं तीन चार, उस फॉर्मूले को आप